उधर अपनी बदलाव यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा की और इस सभा में मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान हेमंत सोरेन और मिथिलेश सरकार पर आक्रामक नजर आए। रिपोर्ट। कुछ इन्हीं तेवरों के साथ जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय से बदलाव की आवाज बुलंद की। हेमंत सोरेन ने अपनी गढ़वा बदलाव यात्रा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने गढ़वा के मंच से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का वादा भी किया। इस दौरान हेमंत ने सवर्ण कार्ड भी खेला। हेमंत ने कहा कि सवर्ण बच्चों के लिए भी सरकार मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी। चुनावी जुमले इसने झारखंड मुक्ति मोर्चा ना जात धर्म का राजनीति करता है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हक अधिकार की बात करता है, चाहे वो किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो। इसलिए अगर सरकार बनेगी तो हम सवर्ण जाति के भी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का, छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हेमंत के साथ गढ़वा में मंच पर मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। मिथिलेश ठाकुर ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आने वाले चुनाव में लोगों से जेएमएम को जिताने की अपील की। बेटा, आपका भाई आज तक एक वार्ड भी नहीं बना है गढ़वा से, यहाँ का एक वार्ड पार्षद भी नहीं है। दो बार आपने ही चुनाव हराया है, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक कौन होता है, भगवान कौन होता है? लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। आपने दो बार चुनाव मिथिलेश ठाकुर को हराया है, लेकिन मिथिलेश ठाकुर कभी पीछे नहीं हटा है, न पार्टी बदला है, न जगह छोड़ा है, और दिन रात 2400 घंटे गढ़वा की जनता की सेवा में मिथिलेश ठाकुर लगा रहा है। संताल से शुरू हुई हेमंत की बदलाव यात्रा कोल्हान और कोयलांचल होते हुए अब गढ़वा में। अब देखना यह है कि बदलाव के लिए निकाली गई ये यात्रा कितना सियासी बदलाव ला पाती है। राकेश कुमार, न्यूज 11, गढ़वा।